खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। अब फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। देखिए, पहली चीज तो हमें ये डिफाइन करना जरूरी है कि यंगस्टर है कौन। अगर आप 50 से ऊपर वालों को अगर यंगस्टर्स बोल रहे हो तो वो आपकी गलती है बहुत बड़ी। बेसिकली जो यूथ है यहाँ पर, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, जो न्यू जॉब कर रहे हैं अभी, हमें जाने में प्रॉब्लम होती है। इंक्रोचमेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। रोड्स की प्रॉब्लम है, वो किसी के सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है, बट इंक्रोचमेंट्स उसे वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रही बात हेल्थ केयर, आम आदमी पार्टी का हेल्थ केयर एजुकेशन है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ख़ास तौर से जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प दी गई है, और ये बेसिक अमेनिटीज़ है। मैं पर्सनल नहीं होऊंगा, बहुत से ऐसे मुद्दे, 100% कोई भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती, एंड आई एम नॉट अ वेरी पॉलिटिकल पर्सन, बट ठीक है, इस टाइम पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी इज़ डूइंग बेटर देन अदर्स। ठीक है, एक चीज़ है जो बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है, अमित शाह ने भी कई चीज़ बार बोली है कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है, काम किया है तो दिखाओ। और केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर आपको लगता है हमने काम किया है तो आप हमें वोट दीजिए। आपके हिसाब से उन्होंने काम किया है या नहीं? जी बेशक किया है, उनके मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ें थी, पहली चीज़ है हेल्थ केयर। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो हॉस्पिटल की फीस नहीं पे कर पाते थे, बट उनको हॉस्पिटल में उनको दिया गया, असिस्टेंस दिया गया है, मतलब 8-8 लाख रुपए दिए गए हैं गवर्नमेंट के फंड से, आज तक कभी नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक्स जिसकी स्टडी करने के लिए US से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये स्कूल आज तक इस तरह की हालत में था जो आपके पीछे है, लेकिन आज वो बन रहा है, आज से पहले क्यों नहीं बना? हमारे वहाँ मिस्टर आसिफ मोहम्मद खान काफ़ी टाइम से MLAs थे, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, लेकिन आज इतना पॉलिटिकल हो चुका है यूथ, उसे पता है कि उसे किसे वोट देना है, उसे पता है कि क्या करना है। ये सब चीज़ आपने एजुकेशन बताया, हेल्थ बताया, एक बेसिक प्रॉब्लम जो, या एक प्रॉमिस जो पिछली बार इलेक्शन के टाइम पे किया था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि शायद इस बार हो सकता है? ऑफ वॉट, लाइक वाटर प्रॉब्लम्स? हाँ, कोई ये बहुत लोग बोल रहे हैं पानी की प्रॉब्लम। मैं ये बोलता हूँ कि पानी की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं, दिल्ली में नहीं है, पूरी दुनिया में इस टाइम पे अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखोगे पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। बट अगर उसके आगे एक स्टेप उठाया जा रहा है उसे फुलफिल करने के लिए, आई थिंक दैट्स बेटर। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि आप बड़े बड़े भाषणों में दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप ग्राउंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। भाषण कौन देता है आपके सर? भाषण हमारे बीजेपी के जो लोग ज़्यादा देते हैं, और कांग्रेस के लोग भी देते हैं। पहली बात, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ए और बी टीम है, एक उनको बोलता है एक उनको बोलता है, अब हम समझ चुके हैं। आप पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ? वी आर फेड अप विद ऑल दिस, क्या कहते हैं, ये पुराने टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है ना। लोग कहते हैं कि जैसे आपने बोला कांग्रेस ए और बीजेपी बी, तो बचा आम आदमी पार्टी, तो मतलब लोग अब ये बोलेंगे कि आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, एक्चुअल में आप किस चीज़ के सपोर्टर? मैं सपोर्टर हूँ जो जिन्होंने काम किया, वो जो बात जो झगड़ा ही लगाते, वो जो हर भाषण में हिंदू और मुस्लिम नहीं करते, वो जो बाबरी मस्जिद को नहीं लाते, राम जन्मभूमि को नहीं लाते, वो जो हेल्थ केयर को लाते, एजुकेशन को लाते। हम लोग देखिए, अगर मैं पढ़ाई करके यूरोप नहीं गया या US नहीं गया, इंडिया में रह गया, तो ये मेरे देश की कामयाबी है। अगर मुझे रोज़गार ढूंढने के लिए देश से बाहर जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये गवर्नमेंट जो है ना बीजेपी की, आपकी बहुत बड़ी वो है। हमें डर लगता है भाई, यहाँ पर हमने वो मंजर देखा है, यहाँ पर जब यहाँ पर बच्चों पर मारा गया, ये सारा एरिया पूरा ऐसा लग रहा था जैसे मातम मन रहा है। हम अपने बच्चों को मना करते हैं, हम अपने भाइयों को मना करते हैं, भाई रातें मत जाओ, 9 बजे का मत जाओ, पुलिस सिविल में घूम रही है। क्या क्यों घूम रही है? अच्छा, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि दिस एरिया इज़ नॉट गुड, ऑटो वाले बोलते हैं हम नहीं आएंगे यहाँ पर, कैब वाले बोलते हैं हम, क्यों नहीं आएंगे भाई? मुस्लिम है इस वजह से? ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, आप कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे? और क्यों ऐसा होता है कि पूरी दुनिया, इंडिया में मुस्लिम कॉलोनीज ही हैं ऐसी जो अंडर डेवलप्ड होती हैं? क्या वहाँ के बच्चे एजुकेटेड नहीं होते? डू यू थिंक आई एम नॉट एजुकेटेड? हाँ, आई एम मास्टर स्टूडेंट, ये मैं मास्टर्स कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं प्रिविलेज हूँ, बात ये है। ओखला के अंदर आपके हिसाब से अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिस पे काम करना चाहिए, मतलब पानी छोड़ के या सड़कें छोड़ के? यहाँ की जो दुकानें हैं, ठीक है, बींग एन आर्किटेक्ट मैं थोड़ा आपको टर्म में समझा देता हूँ, यहाँ की जितनी दुकानें हैं उसको रेगुलराइज करिए, उनके सर्टिफिकेट्स बनाइए, उनको देखिए किसकी दुकानें हैं, कौन यहाँ पर सामान बेच रहा है, ये पहले करिए। उसके बाद जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटा के आप कहीं और जगह पर उनको जगह दीजिए, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत है। यहाँ से एम्बुलेंस गुजर जाए ना, 1 घंटा लगेगा निकलने के लिए, लोग बीच में रास्ते में मर जाते हैं, ऐसे बहुत बार हुआ है।
मैं तो नहीं चाहूँगा कि कहीं मुझे हार्ट अटैक यहाँ पर आ जाए, लेकिन आप खुद सोचिए इतना भीड़ है यहाँ पर, कुछ खुदा ना खासा भगदड़ मच जाए क्या होगा। कब क्या आपको लगता है कि आसिफ मोहम्मद खान ने इन्होंने कभी देखा नहीं? आते हैं, इवन आम आदमी पार्टी के लोग भी आए हैं, कोशिश करिए। लेकिन ये ना बहुत ग्राउंड रियलिटी है, ये ऐसी चीज़ है जो पूरे इंडिया में लोगों को बैठ के समझनी पड़ेगी। लोग पैसे लेते हैं दुकान वालों को, लोग 1000 रुपये रोज का देते हैं दुकान वालों को कि आप मेरे घर के सामने ठेला लगाओ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होगा तो वो लोग अपने ऑफिस जाएंगे, उन्हें किराए से नहीं जीना पड़ेगा। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, दुकान खोली, ठेले वाले से 1000 रुपये आ गए, दुकान से वहाँ से पैसे आ गए, इस तरीके से उनका रोजगार चलता है। अगर वही लोग पढ़ाई करते जो कि एजुकेशन में तब्दीली आ गई, फिर वही लोग ऑफिस जाएंगे, वही लोग काम करेंगे, थिंग्स ऐसे बेटर होती हैं। एक साथ बेटर नहीं होते कि एक 5 रुपये खड़े कर दिया कि भाई सब चंगा सी। सब चंगा सी नहीं है, पहली बात चंगा सी है ही नहीं, बहुत बुरा हाल है देश का। इकोनॉमी 4.5 है, वो भी फार्मूला बदलने के बाद, फार्मूला बदलने के बाद। और ये जो बेवकूफ बताते हैं हिंदू मुस्लिम, जहाँ किसी में भाषण में हिंदू मुसलमान का नाम आए, उस पॉलिटिशियन को मैं बहुत बकवास समझता हूँ।